हाँ बेटे, क्वेश्चन बाकी रह गया था। क्वेश्चन नंबर किसका कर रहे थे? मनी मार्केट ऑपरेशन का। क्वेश्चन नंबर 18 पेंडिंग रह गया था, तो क्वेश्चन नंबर 18 में सर है क्या? तो चलो भाई डिस्कस कर लेते क्या चीज है। लिखा हुआ है, बैंक ए एंटर इनटू अ रेपो फॉर 14 डेज विथ बैंक बी इन 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स 2018 एट द रेट 5.65% फॉर ₹8 करोड़। सर क्या बोल क्या रहा है? चलो समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मान लो एक बैंक है और उस बैंक का नाम क्या है? बैंक ए। बैंक ठीक है। अब बैंक ए के साथ समस्या क्या है सुनो ना। बैंक ए के पास ऑलरेडी एक बॉन्ड्स रखे हुए, बॉन्ड्स। अच्छा सर कितना? और इस बॉन्ड्स पे 10% नाम है 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स। ठीक है 10%, ये क्या चीज है नहीं मालूम। 8 करोड़ रुपए मैं मान के चल रहा हूं फेस वैल्यू है। 8 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स रखे हुए, कितना? 8 करोड़। 8 करोड़, 8 करोड़ के बॉन्ड्स रखे हुए हैं। ओके सर, अब बैंक ए को क्या मिलता होगा? सर इन बॉन्ड्स पे बैंक ए को इंटरेस्ट मिलेगा। यस। अच्छा अब प्रॉब्लम है कि अभी इसकी मैच्योरिटी डेट नहीं आई है। बैंक ए सोच रहा है ये बॉन्ड्स रखे हुए मेरे पास कितने करोड़ के? 8 करोड़। अब बैंक ए को पैसों की जरूरत है। सर तो बॉन्ड्स भेज दीजिए। हाँ पर यार इतना अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा, 10% बेचकर क्या करोगे? या तो फिर कोई ऐसा पर्सन आ जाए जिसको मैं बॉन्ड्स बेचूं कुछ समय के लिए और उनसे पैसे ले लूं और फिर यही बॉन्ड्स मुझे वापस मिल जाए। अच्छा सर, इट मीन्स एक टाइप से मैं उधार दे रहा हूं। हाँ अगर मैं सीधी सी बात करूं, मैं हूं बैंक के, मेरे पास रखा है बॉन्ड्स, मैं किसी बैंक बी के पास गया और मैं बैंक बी से बोल रहा हूँ, बैंक बी सुनो मेरे पास बॉन्ड्स रखे हुए हैं और मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो ये बॉन्ड्स आप अभी रख लीजिए और मुझे पैसे दे, इसके जितने भी बनते पैसे दे दीजिए क्योंकि मुझे 14 डेज के लिए फंड का प्रॉब्लम है और 14 दिनों बाद मैं आपके पास आऊँगा, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा विथ इंटरेस्ट। ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट नहीं दूंगा, विथ इंटरेस्ट। और फिर आप मुझे क्या करना, ये मेरे बॉन्ड्स वापस कर देना। दिस इज रेपो ट्रांजेक्शन। अच्छा सर तो कर क्या रहा है? बैंक ए है और एक कौन सी बैंक है बेटे? बैंक बी। बैंक बी, हम बैंक ए क्या कर रहे हैं? हम रेपो ट्रांजेक्शन, बैंक ए एंटर इनटू अ रेपो फॉर 14 डेज विथ बैंक बी और हम बैंक बी से पैसे ले रहे हैं, अभी के लिए सीधी सीधी पैसे ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं वो बात की बात है। अच्छा बदले में, और फिर हम इसको क्या करेंगे? रीपेमेंट करेंगे। इट मीन्स ये कौन सा लैग है मेरा? फर्स्ट। और वापस करना है तो इसको कौन सा लैग बोलते हैं? सेकंड। वापस रीपेमेंट, ये पैसा आएगा। ठीक है सर वो देख लेंगे क्या है। अब आगे बढ़े, क्या बोल क्या रहा? लिखा एज्यूमिंग दैट क्लीन प्राइस बी 99.42। सर क्लीन प्राइस क्या होता? बेटे क्लीन प्राइस क्या होता है? जैसे आज मैंने बॉन्ड्स खरीदा, मान के चलो 1 अप्रैल मैंने बॉन्ड्स खरीदा, 99 का खरीदा, 90 रुपए का, 99 का, इसको भूल जाओ, 99 का बॉन्ड्स खरीदा। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे तो मुझे उस बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिलते जाएगा, तो क्या हमें एक्चुअल में पैसा मिलता? नहीं, दिस इज एक्रूट। इट मीन्स एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3। 99 रुपीज का बॉन्ड था, मन से बोल रहा हूँ 99, इससे मतलब नहीं है, 99 का। और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा, मुझे इंटरेस्ट मिलने का होगा। इट मीन्स मिलेगा नहीं, वो एक्रूड होते जाएगा, जुड़ते जाएगा, और फिर मुझे लास्ट में जितने दिनों का बॉन्ड्स रहेगा, ये वाली प्राइस, इसको मैं क्या बोला? क्लीन प्राइस प्लस जितना भी इंटरेस्ट है वो लास्ट में मिल जाएगा। इट मीन्स सर क्लीन प्राइस का मतलब इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है, दिस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पढ़ते थे आप लोग कहाँ? अकाउंट्स में। और अगर मैं इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट जो मुझे मिलने वाला है उसको भी जोड़ देता हूं, अभी तक का इंटरेस्ट, अगर
15 दिन हुआ, उस 15 दिन का भी इंटरेस्ट जोड़ देता हूं, तो वो कौन सा प्राइस कहलाता? डर्टी प्राइस। ओके सर, तो यहां क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा क्लीन प्राइस दिया 99.42, इनिशियल मार्जिन 2% एंड डेज, इंपॉर्टेंट है, डेज ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट 262 डेज। 262 दिन हो चुके हैं जब मैंने बॉन्ड खरीदा था, क्लीन प्राइस कितना था? 99.42, और अब उस पर इंटरेस्ट 262 दिन का, 262 डेज का ऐड हो गया, तो अब उसको जोड़ देंगे तो कौन सा प्राइस जाएगा? डर्टी प्राइस। सर ये मार्जिन क्या है, ये मैं समझा दूंगा, पहले एक काम करते हैं, हम डर्टी प्राइस निकालते फिर सोचेंगे क्या करना है। ठीक है सर, तो पहले डर्टी प्राइस फर्स्ट हम निकाल रहे हैं, डर्टी प्राइस ऑफ बॉन्ड कैसे निकलेगा? बिल्कुल सिंपल है, डर्टी प्राइस बताओ क्या फॉर्मूले पे जाऊं, तो फॉर्मूला क्या हुआ? क्लीन प्राइस प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, दैट इज 99.42 प्लस, मैं मान के चल रहा हूं बॉन्ड का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए पे। इन बॉन्ड्स पे, जो बॉन्ड्स मैंने मेरे पास है, मैं किसके एंगल से बात कर रहा हूँ? भी बैंक के, तो जो बॉन्ड्स मेरे पास है उस पे इंटरेस्ट का रेट कितना? 10%, तो यहाँ जाएगा 10% इंटू कितने दिन हो चुके हैं? 262 डिवाइडेड बाय, एक साल में वैसे तो 365 डेज, पर क्वेश्चन में बोला 360 दिन लेना, तो इसीलिए मैं 360 डेज ले रहा हूँ। अब निकाल लेते कितना आ रहा, तो 100 फेस वैल्यू क्या एज्यूम कर रहा हूँ, 100 इंटू 10% इंटू 262 डिवाइडेड बाय 360 प्लस 99.42, आंसर आ गया ₹106.697 है ना, तो इसको 70 कर लिया। ये मेरा पहला काम हो गया जो मुझे करना था। क्या पूछा था? डर्टी प्राइस। डर्टी प्राइस कैसे निकलेगा? जितना क्लीन प्राइस है उसमें अभी तक का इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा, तो क्या जाएगा? डर्टी प्राइस। ठीक है, अब मेरे पास बॉन्ड्स, अब ये बॉन्ड्स लेकर मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ बैंक बी के पास। मैं कहता हूँ बैंक बी प्लीज 14 डेज के लिए ये बॉन्ड्स रखिए और मुझे पैसे दे दीजिए। अब बैंक बी मान गया, बैंक बी मुझे पैसे देने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, कितना पैसा देगा? तो बैंक बी बोलता मैं ना आपको, आपके पास बॉन्ड्स कितने के हैं? मैंने कहा मेरे पास 8 करोड़ रुपए के, मैं मान के चल रहा हूँ ये 8 करोड़, फिर से बोल रहा हूँ मैं मान के चल रहा हूँ ये 8 करोड़ फेस वैल्यू है, तो मुझे, मैं बोल रहा हूँ कि 8 करोड़ रुपए फेस वैल्यू के बॉन्ड्स है, लेकिन सुनो आज जो 100 रुपए का बॉन्ड है ना, 100 रुपए फेस वैल्यू, आज उसकी फेस वैल्यू 100 नहीं रह गई, उसकी 106 रुपए 70 पैसे, क्योंकि 262 डेज बीत चुके हैं, तो मेरे बॉन्ड की वैल्यू में इंटरेस्ट भी तो ऐड हो गया। इट मींस इसकी वैल्यू अब 99.42 नहीं, अगर ये फेस वैल्यू है, फिर से बोल रहा हूं, अगर 8 करोड़ फेस वैल्यू है तो उसके हिसाब से बॉन्ड की वैल्यू 106 रुपए के हिसाब से आप यूनिटरी मेथड से निकाल लीजिए। तो मैंने कहा मुझे एक एक बॉन्ड पर 106 रुपए चाहिए, 100 रुपए नहीं चाहिए। अब बैंक भी बोलता ठीक है भाई, सही है, मैंने समझा भी दिया, ये भी पैसा दो और ये भी दो इंटरेस्ट का, फिर मैं आपको 14 डेज बाद वापस कर दूंगा और जितना दोगे 5.65% ज्यादा ले लेना। ओके, यहां तक ठीक है सर। अब जैसे ही मैं पैसा मांगने गया तो सामने वाला बैंक भी बोलता सुनो पूरा नहीं दूंगा, मार्जिन भी तो काटूंगा, पता नहीं कल को क्या हो जाए, दिस इज 2% मार्जिन, कहीं पढ़ा था यार 2% मार्जिन, तो कहीं लिखा हुआ है 2% मार्जिन, कहां लिखा है सर? ये लिखा बेटे 2% मार्जिन। तो अब क्वेश्चन में मांगा क्या सर ये बताओ,
क्वेश्चन में मांगा है कि मैच्योरिटी के बाद पहले पैसा उधार लोगे और जब उधार नहीं या पैसा आएगा बैंक के पास, जब वापस करोगे रीपेमेंट करोगे तो विथ इंटरेस्ट कितना पैसा वापस करोगे। इट मींस पहले तो मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना आएगा और फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना जाएगा, और क्वेश्चन में वही पूछा। तो चलो जी हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी मुझे जगह लगेगी तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ठीक, तो अब हमको क्या करना, सेकंड पॉइंट नंबर टू हम निकाल रहे हैं रीपेमेंट ऑन मैच्योरिटी। तो पहले क्या कर ले सर, पहले देख लेते हैं बोरिंग फर्स्ट लेग बोल दो चलेगा। फर्स्ट लेग कितना पैसा आएगा, कितना रुपए है फेस वैल्यू, 8 करोड़ मतलब 800 लाख। फेस वैल्यू मान के चल रहा हूं, गड़बड़ हो सकता है, इसको अगर मैं कुछ और मानू तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, मार्केट प्राइस नहीं मानू। कितना फेस वैल्यू है 100, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएंगे। लेकिन मैं कितना चाहूंगा, मैं चाहूंगा सर 106.70, इतना पैसा चाहिए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि माइनस क्या हो जाएगा, 2% मार्जिन कट जाएगा। निकाल लेते हैं कितना आ रहा है, 800 लाख निकालो कितना हो रहा बेटे, 800 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 106.70, जो भी आया माइनस 2% कर लिया तो मुझे मिलेगा ₹83,65,28,00। इतना पैसा मिलेगा, किससे मिलेगा, हम बैंक बी से ले लेंगे और बैंक बी को वापस करेंगे दिस जितना प्लस 5.65%, 10% नहीं, वो तो हमारा है भाई, हमको सस्ते में मिला इसलिए तो हमने लिया। 5.65% कितने दिन का, 14 डेज का। दिस इज सेकंड लेग रिपेमेंट। रीपेमेंट देख लेते हैं, रीपेमेंट कितना करने वाला। तो चलो देखते हैं कितना उधार लिया था, ₹83,65,28,00 प्लस 8,365,28,00 कितना प्रतिशत ब्याज, 5.6%, कितने दिनों का, 14 डिवाइडेड बाय कितना लेना है, 360, तो यहां जाएगा रीपेमेंट। चेक करते कितना रहा, 8,365,28,00 इंटू 5.6% इंटू 14 डिवाइडेड बाय 360 प्लस 8,365,28,00, तो ये आ गया ₹83,83,4,977। फिर से देख लेता हूँ, बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, 8,365,28,00 इंटू 5.6% इंटू 14 डिवाइडेड बाय 360 प्लस 8,365,28,00 8,383,4,977। बिल्कुल, दिस इज रीपेमेंट विथ इंटरेस्ट। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, एक प्रकार से ये पैसों का अरेंजमेंट हो रहा है। पैसों का अरेंजमेंट कौन कर रहा है, बैंक ए। बैंक ए क्या कर रहा है, बॉन्ड्स दे रहा है फिर वापस परचेस करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 18, यही पेंडिंग था जो मैंने करवा लिया। थैंक यू।